हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप हेल्दी होंगे, खुश होंगे और स्ट्रेस फ्री होंगे। मैं आपको पढ़ा रही हूँ 10th क्लास की इकोनॉमिक्स। इसके मैंने 5th चैप्टर पढ़ा दिया है, कंज्यूमर्स राइट डिटेल में पढ़ाया है और दो पार्ट में करके डाल दिया है प्लेलिस्ट में। अगर कोई बच्चा डिटेल में पढ़ना चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकता है। आज मैं 5th चैप्टर कंज्यूमर्स राइट ब्रीफ में पढ़ाऊंगी। जो बच्चा डिटेल में नहीं पढ़ना चाहे वो ब्रीफ में ये चैप्टर पढ़ सकता है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स राइट 10th क्लास ब्रीफ में करा रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन है व्हाट इज कंज्यूमर्स राइट, कि कंज्यूमर्स राइट क्या है। मैं ब्रीफ में बता रही हूँ ताकि सारा चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाए, अगर कोई बच्चा डिटेल में नहीं पढ़ना चाहता है तो। व्हाट इज कंज्यूमर्स राइट, बिकॉज सम पीपुल परसिस्टेड एंड स्ट्रगल टू गेट जस्टिस, कि कुछ लोग बेचारे जस्टिस पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए कंज्यूमर्स राइट की जरूरत है, ठीक है। कंज्यूमर्स राइट क्या है, वो राइट जिसमें कंज्यूमर अगर चीट होते हैं या उनकी जो प्रोडक्ट उन्होंने खरीदा है वो सेलर लेने से इनकार कर देता है, तो उस राइट को दिलवाने के लिए कंज्यूमर्स राइट आया है, ओके। आगे है इन व्हाट वेज वर दे डिनाइड जस्टिस, किन तरीकों से उनको भाई जस्टिस नहीं मिलता है। जैसे उन्होंने कोई सामान खरीदा और वो वापस नहीं ले रहा है सेलर, या MRP जितना है उससे ज़्यादा उसको कीमत उसने दी है और वो बाकी पैसे मांगना चाह रहा है वो उसको नहीं दे रहा है। डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे दिया है और जब वो एक्सचेंज करने जाता है तो कहता है हमारी जिम्मेवारी नहीं है, आपको पहले से देख के लेना था। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, आप लिख सकते हो व्हाट आर द वेज इन विच दे कैन एक्सरसाइज देयर राइट एज कंज्यूमर टू गेट अ फेयर डील फ्रॉम द, उन्हें ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिला, अर्थात जो चीज़ें उन्होंने खरीदी थी वो उनके पैसे के हिसाब से, जो उन्होंने कीमत दी उसके हिसाब से नहीं थी, या ठीक प्रोडक्ट नहीं था, या ज़्यादा पैसे ले लिए, या घर पे आते ही प्रोडक्ट खराब हो गया। अगर उनको न्याय मिलने में डिनाय करता है सेलर, या उनकी चीज़ों को वापस लेने में या एक्सचेंज करने में मना करता है, तो कंज्यूमर्स को ये राइट है कि वो कंज्यूमर कोर्ट जाकर उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सके। तो कंज्यूमर राइट क्या हो गया, वो राइट जो कंज्यूमर को गवर्नमेंट देती है, ठीक है, किसके अगेंस्ट, सेलर के अगेंस्ट जिसके पास उसने गुड्स या सर्विसेज खरीदी हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, कंज्यूमर इन मार्केट प्लेस। आपको मालूम है कि मार्केट प्लेस में दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, वी पार्टिसिपेट इन द मार्केट बोथ एज अ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर भी मार्केट में है और कंज्यूमर भी मार्केट में। प्रोड्यूसर कौन है, हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, एंड कंज्यूमर कौन है, हु कंज्यूम्स गुड्स और सर्विसेज इन द मार्केट, ठीक है। आगे क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, रूल्स एंड रेगुलेशन आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, कि मार्केट में कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए। अब इंडिविजुअल कंज्यूमर ऑफन फाइंड देम सेल्फ इन वीक कंडीशन, ठीक है, एंड द पोजिशन इज, और उसकी क्या पोजिशन होती है सेलर की, इफ यू डिड नॉट लाइक व्हाट यू बॉट प्लीज गो एज वेयर। कंज्यूमर इंडिविजुअली एक वीक होता है क्योंकि वो इंडिविजुअल जाके कोई वस्तु खरीद रहा, लेकिन प्रोड्यूसर चूंकि कम है लेकिन मनी पावर और वैसे पावरफुल पोजीशन में होते मार्केट में। अगर कंज्यूमर किसी के पास गया है और कोई चीज़ उसको पसंद नहीं आ रही है तो सीधा सेलर उसको बोलेगा कि भैया यहाँ से मत खरीदो, आप दूसरी जगह से जाके खरीदो। वो लोग इतने पावरफुल होते हैं कि वो कंज्यूमर को भी मना कर देते हैं कि जाओ कहीं और से खरीदो। द सेलर हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी वंस अ सेल इज कंप्लीटेड, एक बार कोई चीज बिक गई तो सेलर कहता है कि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपको पहले से ही वो चीज देखकर लेनी चाहिए थी। अब कंज्यूमर मूवमेंट इज एन अफेक्ट टू चेंज दिस सिचुएशन। अब जो कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ है वो एक ऑफर्ट है किसके लिए, कि जो कंज्यूमर का कंडीशन है मार्केट में उसको चेंज करने के लिए। प्रोड्यूसर तो पावरफुल है लेकिन कंज्यूमर वीक है, तो कंज्यूमर मूवमेंट क्यों चला है, ताकि कंज्यूमर्स की भी जो सिचुएशन है मार्केट में पावरफुल हो और वो अपनी बात रख सके। अब मार्केट में उसके साथ क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है ना, एक्सप्लॉयटेशन इन मार्केट प्लेस हैपन्स इन वेरियस वे, कई तरीकों से उसके साथ मार्केट में एक्सप्लॉयटेशन होता है, जैसे वे लेस देन व्हाट इट इज रिटर्न, जो उस पर लिखा हुआ है उससे कम उसका वेट होगा। मोर प्राइस देन MRP, MRP होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस,
कि इससे ज़्यादा आप वस्तु का कंज्यूमर से नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा कई बार सेलर उसे ले लेता है, ठीक है। और डिफेक्टिव गुड्स आर सोल्ड, और कई बार सेलर क्या करता है, डिफेक्टिव जो चीज़ें होती हैं वो कंज्यूमर को बेच देता है, उसको बेचारे को बेवकूफ़ बना के, कि तीन चार चीज़ें हैं जिसके कारण वो मार्केट में एक्सप्लॉइट होता है, ठीक। आगे चलते हैं, मार्केट्स डू नॉट वर्क इन अ फेयर मैनर व्हेन प्रोड्यूसर्स आर फ्यू एंड पावरफुल। मार्केट में फेयर डील्स नहीं होती हैं जबकि प्रोड्यूसर कम मात्रा में है लेकिन वो क्या है, पावरफुल है। वेयर एज कंज्यूमर परचेजेस इन स्मॉल अमाउंट एंड स्कैटर्ड, और कंज्यूमर क्या है, छोटे अमाउंट में चीजें खरीदता है लेकिन वो स्कैटर्ड है, बिखरा हुआ है, ठीक है। एक कंज्यूमर एक ही सामान खरीदने जाएगा मार्केट में, ठीक है, और वो कम मात्रा में लेता है, कम अमाउंट में लेता है, तो उसकी इतनी मार्केट में अहमियत नहीं होती है। द कंपनीज विद ह्यूज वेल्थ पावर एंड रीच कैन मैनिपुलेट द मार्केट्स इन वेरियस वे, क्योंकि कंपनीज बड़ी होती हैं, उनके पास पावर है, पैसा है, तो मार्केट को मैनिपुलेट करती हैं, ठीक है, कई तरीकों से। अब एक एग्जांपल दिया है पाउडर मिल्क का। एक कंपनी थी जिसने पाउडर मिल्क बनाया छोटे बच्चों के लिए, और उसने ये दावा किया कि यह पाउडर मिल्क माँ के जो दूध से ब्रेस्ट फीडिंग से ज़्यादा बेहतर है। अब सालों लग गए इस बात को सिद्ध करने के लिए कि माँ से बेहतर कोई भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक। तो देखो, पाउडर मिल्क वाली कंपनी ने मार्केट को मैनिपुलेट किया और क्या ऐड निकाला कि ये माँ के दूध से भी बेटर है, सभी माओं को ये दूध बच्चों को पिलाना चाहिए। लेकिन हकीकत क्या है कि माँ का दूध से बेहतर कोई दूध नहीं होता है। तो लोगों को इस बात को सिद्ध करने के लिए कि ये प्रोपोगंडा गलत है, पाउडर मिल्क माँ के दूध से बेहतर नहीं है, इस टाइप से बड़ी कंपनीज मार्केट को मैनिपुलेट करती हैं, ठीक है। आगे है कंज्यूमर मूवमेंट। अब कंज्यूमर मूवमेंट के बारे में बताया गया, कंज्यूमर मूवमेंट है क्या, कंज्यूमर मूवमेंट, द कंज्यूमर मूवमेंट अरोज एट ऑफ डिससेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर इन मैनी वेज सच एज अनफेयर प्रैक्टिस वर इंडल्ज्ड बाय द सेलर। अब कंज्यूमर मूवमेंट क्यों शुरू हुआ, कंज्यूमर्स के डिससेटिस्फेक्शन की वजह से, जो अनफेयर प्रैक्टिस सेलर मार्केट में करता है, ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर उन चीज़ों से सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए उनको कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट करना पड़ा। देर वॉज नो लीगल सिस्टम अवेलेबल टू कंज्यूमर्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन इन द मार्केट। कहते ऐसा कोई भी लीगल सिस्टम नहीं है जिससे कि कंज्यूमर मार्केट में ये जो अनफेयर डील होती है उसके साथ, उससे वो बच सके। इट टुक मैनी ईयर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड, बहुत समय लगा इन ऑर्गेनाइजेशंस को इंडिया में और वर्ल्ड में बनने के लिए, टू क्रिएट अवेयरनेस अमंगस्ट पीपुल, पीपुल में कंज्यूमर राइट्स की अवेयरनेस पैदा करने के लिए। इन इंडिया द कंज्यूमर मूवमेंट एज अ सोशल फोर्स, इंडिया में इसको किस तौर पर लिया गया है, एक सोशल फोर्स के तरीके से, विच प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट अनइथिकल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। कंज्यूमर्स के अगेंस्ट जो अनइथिकल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस शुरू की गई हैं उसके अगेंस्ट, इसको एक सोशल फोर्स कहा गया है। अब इंटरनेशनल क्या है, कंज्यूमर इंटरनेशनल कब बना उसके बारे में बताया गया है। इन 1985 यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड द यूएन गाइडलाइंस फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन। यूएन ने 1985 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए कुछ गाइडलाइंस बनाई, ठीक है। नाउ देर आर 220 मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम 115 कंट्रीज। आज इन ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर हैं, 220, और कितनी कंट्रीज इसमें जुड़ी हुई हैं, 115, ठीक है। आगे इन इंडिया, अब इंडिया में क्या हालत है कंज्यूमर राइट्स की। इन 1986 द इंडियन गवर्नमेंट वाज द एनएक्टमेंट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इंडिया में 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना, ठीक है। 85 में यूएन ने अडॉप्ट किया और 1986 में इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया, जो किस नाम से जाना जाता है, कोपरा, जिसको कोपरा के नाम से हम जानते हैं। अब कंज्यूमर राइट क्या है, इसमें एक केस आपकी बुक में रेजी का है, और उसमें क्या बताया गया था रेजी के बारे में। रेजी एक स्टूडेंट है, कौन सी क्लास का, 9th क्लास का, ये केरला का केस है, ठीक है, केरला का केस है। उस बच्चे को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम थी, तो वो टॉन्सिल्स रिमूवल के लिए डॉक्टर के पास गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, ठीक है। डॉक्टर ने उसको गलत एनेस्थीसिया दिया टॉन्सिल्स रिमूव करने के लिए, उसके बाद वो बच्चा
व्हीलचेयर पे आ गया, हेल्थ इश्यूज हो गए। उसके फादर ने क्या किया, फर्स्ट हिज फादर फाइल्ड द केस इन स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन। उनके पापा ने स्टेट, क्योंकि स्टेट का केस था, केरला का केस था, इसलिए स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन में केस फाइल किया 5 लाख का, ठीक है, क्योंकि डॉक्टर से मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ था, उसका उन्होंने केस डाला। लेकिन द स्टेट कमीशन सेइंग दैट द एविडेंस वाज नॉट सफिशिएंट एंड डिसमिस्ड द केस। अब स्टेट कमीशन ने क्या कहा कि जो एविडेंस उसके फादर ने लगाए थे वो सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है, और केस को डिसमिस कर दिया। फिर उसके फादर, डेजी के फादर कहाँ गए, अपेल्ड अगेन इन द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन लोकेटेड इन दिल्ली। फिर वो कहाँ गए, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल कमीशन में, जो न्यू दिल्ली में है, वहां पे वो केस जीते और उनको कंपनसेशन मिला हॉस्पिटल की तरफ से। अब अगली चीज क्या आ गई है आपकी, आरटीआई। आरटीआई का मतलब क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। इन रिसेंट टाइम्स द राइट इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सपेंडेड टू कवर वेरियस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। राइट टू इंफॉर्मेशन आजकल एक्सपेंडेड हो गई है, क्या क्या कवर कर रही है गवर्नमेंट की तरफ से, वेरियस सर्विसेज। किसी भी सरकारी ऑफिस से अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप आरटीआई के थ्रू, राइट टू इंफॉर्मेशन के थ्रू, वो इंफॉर्मेशन उन ऑफिस से ले सकते हो, और वहाँ का जो ऑफिस है उसको देने से आपको मना नहीं कर सकता। अब इन अक्टूबर 2005 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनएक्टेड अ लॉ नोन एज आरटीआई। अक्टूबर 2005 में ये लॉ बना आरटीआई का, जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन सरकारी ऑफिस की ले सकते हो। दिस एक्ट एंश्योर्स, क्या बताता है ये एक्ट, इट्स सिटीजन ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। ये आपको इंश्योर करता है कि आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस की जानकारी ले सकते हो, सभी सिटीजन, इंडियन सिटीजन की इसमें बात की गई है, और ऑफिस उसको मना नहीं करेगा। अब अगला है व्हेन चॉइसेस इज डिनाइड, जब आपकी चॉइस को डिनाइड किया जाए तो इसमें भी आप कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हो। इसमें एबिरमी का केस है, ठीक है, एबिरमी एक लड़की है, स्टूडेंट है, ठीक है, अंसारी नगर, ज्वाइंड अ 2 ईयर कोर्स एट अ लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफेशनल कोर्स इन न्यू दिल्ली। उसने क्या किया, न्यू दिल्ली में प्रोफेशनल कोर्स का एक इंस्टीट्यूट है जो उसने ज्वाइन किया, कोर्स के लिए 2 साल का कोर्स था, और उस बच्ची ने पूरी फीस पे कर दी। पूरी फीस कितनी थी, 61,020 रुपीज फॉर 2 ईयर कोर्स। उसने कोर्स ज्वाइन किया और पूरे 2 साल की फीस एक ही साथ जमा कर दी। अब क्या हुआ उसके साथ, After 1 year, she found that the quality of teaching was not up to the mark. कि जैसा वो चाहती थी पढ़ना professional course के लिए, वैसा उनका teaching quality नहीं थी। तो उसने क्या decide किया, she asked for a refund of the fee for 1 year. क्योंकि 1 year वो पढ़ चुकी थी, 1 साल बचा था, तो उसने कहा भी मेरे 1 साल की फीस वापिस कर दो। But institute was denied her. लेकिन institute ने उसको deny कर दिया कि वो 1 साल की जो remaining 1 साल बचा है उसकी फीस उसको नहीं देंगे। एबिरमी ने क्या किया, सी फाइल्ड द केस इन डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट। उसने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल किया। द कोर्ट डायरेक्टेड द इंस्टीट्यूट टू रिफंड हर 28,000 रुपीज बिकॉज सी हैज द राइट टू चूज। कोर्ट ने उसको कहा कि उस 28,000 एबिरमी को आप दे, क्योंकि उसको राइट है चूज करने का कि वो आगे पढ़ना चाहती है या नहीं। अब इंस्टीट्यूट ने क्या किया, द इंस्टीट्यूट अगेन अपील्ड इन द स्टेट कंज्यूमर कमीशन। उसने स्टेट कंज्यूमर कमीशन में अप्लाई किया एंड द स्टेट कमीशन अपहेल्ड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स डायरेक्शन एंड फर्दर फाइंड द इंस्टीट्यूट फॉर ₹25,000 और प्लस उसको 7,000 और देने पड़े थे इसमें, ठीक। अब स्टेट कमीशन पे गया, लेकिन कोर्ट ने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था उसको रखा और कहा कि आप 25,000 तो देंगे ही देंगे, साथ में 7,000 उसको प्लेंटी लगी, ठीक है। तो ये राइट टू चॉइस का केस था। चलिए, वेयर शुड कंज्यूमर गो टू गेट जस्टिस। अब अगर आपको जस्टिस चाहिए तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा। अब कंज्यूमर हैव द राइट टू सीक रिड्रेशल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड एक्सप्लॉइटेशन। ये मैंने बता दिया, इफ एनी डैमेज इज डन टू द कंज्यूमर सी और ही हैज द राइट टू गेट कंपनसेशन डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ डैमेज। कितना डिग्री ऑफ डैमेज हुआ, मतलब कितना उसको डैमेज हुआ, उसके हिसाब से उसको कंपनसेशन मिलता है। अब कोपरा के अंडर 3 लेवल हैं, ठीक है, अंडर कोपरा 3 लेवल जुडिशली मशीनरी है, ठीक है। पहला है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, सबसे पहले हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर जाते हैं स्टेट लेवल पे, एंड देन हम जाते हैं नेशनल लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट लेवल को क्या कहेंगे, कोल्ड फोरम। क्या कहेंगे,
इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रिक्ट फोरम, सॉरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसको कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट फोरम। और जो कितने तक का कंपनसेशन को डील करता है, अप टू 20 लाख। अगर कोई कंज्यूमर 20 लाख तक क्लेम करता है तो वो कहाँ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाके अपना केस फाइल करेगा। आगे है एट स्टेट लेवल, इसको हम कहेंगे स्टेट कमीशन, ठीक है। इसमें कहाँ तक का क्लेम आएगा, इसमें 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक का, ठीक है। अगर कोई कंज्यूमर 20 लाख से 1 करोड़ तक का केस फाइल करता है तो ये कहाँ जाएगा, स्टेट कमीशन में, ठीक है। एट नेशनल लेवल, नेशनल लेवल में क्या होगा, अगर नेशनल लेवल को हम कहेंगे नेशनल कमीशन, ठीक। ये कहां तक के क्लेम को डील करेगा, एक्सीडेड 1 करोड़ से ऊपर का। इस टाइप से 3 लेवल हो गए हमारे जुडिशरी के, इसके कंज्यूमर्स कोर्ट के। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल को हम कहेंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम, देन स्टेट लेवल, स्टेट लेवल को कहेंगे स्टेट कमीशन, जो 20 लाख से 1 करोड़ तक का केस देखेगा। और फिर आएगा नेशनल लेवल, नेशनल लेवल को कहेंगे नेशनल कमीशन, ये 1 करोड़ से ऊपर तक का केस देखेगा, ठीक है। आपका आ सकता है कि कितने लेवल्स में ये होता है, तो आप बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट देखेगा 20 लाख तक के, स्टेट देखेगा 20 लाख से 1 करोड़ तक के, और नेशनल देखेगा मोर देन 1 करोड़, ठीक है। 3 टाइप्स के लेवल हो गए, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, ठीक है। अब एक बात और है, अगर किसी ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे केस किया, उसका केस है 20 लाख तक का क्लेम है, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसके जो क्लेम था उसको डिनाई कर दिया गया, तो वो कहाँ जाएगा, स्टेट लेवल पे। और स्टेट लेवल पे भी अगर कैंसिल हो गया या डिनाई हो गया तो वो नेशनल लेवल पे उसकी अपील कर सकता है। तो सबसे पहले कोई भी केस जो 20 लाख का है वो जाएगा डिस्ट्रिक्ट फोरम में, डिस्ट्रिक्ट फोरम अगर डिनाई करता है तो जाएगा स्टेट कमीशन को, स्टेट कमीशन भी अगर डिनाई करता है तो नेशनल कमीशन को जाएगा, और नेशनल कमीशन जो अपना जजमेंट देगा वो उसको मानना पड़ेगा, ठीक। अब टुडे देर आर 700 कंज्यूमर्स ग्रुप इन इंडिया, इंडिया में 700 कंज्यूमर ग्रुप्स हैं, एंड 20-25% आर ऑल 20-25% आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर वर्क, जिसमें से केवल 20-25% ही ऑर्गेनाइज्ड है और काम के लिए जाने जाते हैं। बाकी जो 80-75% है वो ना तो काम अच्छा करते हैं और ना ही वो रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को चैप्टर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।